कैसी दिखाओ जी, दिखाओ दिखाओ। आप रोटी मतलब कौन आ गया? बराती है। मैं बेल्ट डिली कर लूँ थोड़ी सी। ओ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जौन सा है, ओए अभी अभी भी नहीं, अभी बाद में बाद। आज का व्लॉग जौन सा है जी, हमारे घर है एक शादी कज़न की, वज़न की, तो वहाँ जाना है। आज बारात है तो अभी हमने जाना है जांजी लुटने। जांजी लुटने नहीं, अभी हमने जाना है, शाम की शादी, अभी शायद 4:30 या 5 बज गए हैं, शाम का सीन है। तो हम जाएंगे, अभी तैयार श्यार भी नहीं हुए, ऐसे ही हम ज़रा लगड़ बगों की तरह फिर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग उम्मीद है अच्छा होगा, मज़े का होगा, क्योंकि खानू मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और इंस्टाग्राम ये है, इसको फॉलो करें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपको मैं मजनू दिखाता हूँ, वो छुपाया मजनू। और है लोग प्यार दे दिल ये क्या कर रहे हो बैठे बैठे? है तू मम्मा ब्याह तो नहीं जाना? ये खराब हो गए, मैं भी कट ले या। दोनों ने काट ली, फिर बोटी कैसे खाएंगे? बोटियां तक खाएंगे यार, पंजे जड़े ना गाड़ लांगे सही तरह। हां जम्स होते ना यार। हां या 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 लगी एक खोर आ गया शाम को। हां हां भाई रोटी के लिए तैयार है। इसने दोपहर हमसे क्या, तीन दिन तो भूखे हैं, तीन दिन तो। इसने ना दोपहर हमसे पूछा कि शादी का क्या सीन है, क्या कर रहे थे हमने? अला के शादी हमारे अपनी है, और इसने हमसे पूछा शाम का क्या सीन है, रज के रोटी खानी है। ये हमारा मुंह देख रहा था, ये पूछ रहा था कि शाम का क्या प्रोग्राम, कितने बजे जाना है। तो अभी तो हम फिलहाल ग्राउंड में बैठे हुए हैं, टीटो पार्टियाँ कर रहे हैं, अभी बस तैयारी करते हैं और फिर हम चलते हैं। क्यों जी श्रीले नहीं, इसका नाम मैंने रखा मजनू खान साहब। मजनू खान साहब रात कैसा सीधा था ढोल की डाल दी वीडियो। हाँ जी तो शादी पे हम जा रहे हैं, और ये क्या कहने क्या कहने क्या कहने, इधर दिखाओ इधर दिखाओ इधर दिखाओ। ढोल वाला तैयार है, बाकी तो नहीं ढोल वाला बना दी मुझे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जेबी ढोल वाला। हाँ जेबी ढोल वाला चिट्टा चोला। भाई हम हो गए हैं लेट, बिल्कुल ही 8 बजे का टाइम था, मैंने लेट करवा दिया। तो 7 बजे का टाइम था, 7 बजे 8 बज रहे हैं, पाकिस्तान में लेट हो जाते। तो अभी हम जा रहे हैं हॉल में और मिलते हैं वहाँ पे पार्टनर लंगर। चलो जी। हाँ जी तो हम हॉल में आ चुके हैं, और आती हमारी जिम्मेदारियाँ शुरू हो चुकी हैं फोटोशूट की। मैंने इन कैसी 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 दिखाओ जी, दिखाओ दिखाओ। आप सही है, ये सही है, फिल्टर लगेगा, सही हो जाएगी सही हो जाएगी सही हो जाएगी। क्या कह रहे हैं अंकल? कहते तो आ गए सर, हमने कल चाहिए थी। अच्छा इंशाल्लाह हम देंगे। फोटोग्राफी कर रहे हैं, प्रेशर नहीं लाया है, मोटरसाइकिल तो बना ला, प्रेशर नहीं लाया सर। उस्ताद जी आए हुए हैं हमारे, उस्ताद जी, उस्ताद जी अरे पास कर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। रोटी आ गई, रोटी रोटी आ गई, रोटी आ गई, रोटी, रोटी मतलब कौन आ गया? बराती है। मैं बेल्ट डिली कर लूँ थोड़ी सी। ओ भाई भाई शादी में अगर आपके पास DSLR है ना, तो आपका काम यही है, तस्वीरें खींचो, और मेरा भी यही है, वही करो। क्लिप में कोई नहीं आ रहा, तो भी इंजॉय करते हैं छोटे छोटे सीन। ए बच्चों से चीज़ें छीन छीन के खा रहा है भाई। बरात आ गई है, बरात आ गई जी जी, बरात नहीं आई, रोटी आ गई है। एक मिनट एक मिनट, वो देखो क्या लिखा हुआ है। क्या मुजफ्फर बरात है? क्यों था अंकल की दूसरी शादी करवा रहे हैं ये। ये तो एक नहीं हो रही, वो तो दो करा दो हो रही है, एक कोई हल कटना पड़ना है ना, था ना? नहीं। ओह सर सर फैन मिल गए हैं सर, फैन जी, खींची खींची सर, तस्वीर खींची खींची। ओह हो बेटा, और कुछ और हेल्पफुल चाहिए हो तो बता। हाँ खुश रहो खुश रहो। तो सर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो कहीं पे चल जाए। तो सर जोन सा मैंने आगे पूछा था कि फ़ैन और कोई रिक्वेस्ट, अब उसकी रिक्वेस्ट ये कि मेरी तस्वीरें खींच। यार ये फ़ैनों के लिए बिना क्या क्या करना पड़ता है, अब चेक करें फेस क्यों नहीं दिखा रहा था, पूरा 300 लगाया मुँह पर, फिर कहाँ दिखाना सर, ऐसी है। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। किन्ने लाए सर? नज़र लग जाती है। सही दास किन्ने किन्ने लाए? हाँ इतने को लग गए जितने बताया, गरीब है ना छोटे से आते हैं। तो फिर 70 रुपये ला गया, 70 रुपये जो दिन में ले के जाता तेरा सारा कुछ जाना भी आ जाते मैं ले चल जा। एक प्लेट है जिन्हें पाई पाई रगड़ देते हैं। हाँ इतना धोखा ला के कर। तो सर अब जरा फैन की तस्वीरें खींच दें, शोखा हो गया ये। बक्का खाने ऐसी ही बक्का खाने, हाँ
बर्गर नहीं डील खाने हजरत, अमीर बंदे हैं, अमीर बंदे हैं, हम ये बर्गर बुर्गर नहीं खाते, हम डील खाते हैं, डील, क्योंकि उधर से बच जाते पैसे। तो सर ये जो जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं, डी ग्राउंड में कोई भी बच्चा बड़ा बूढ़ा रहता है उसको पता है शेक बर्गर का, शेक का हमारे ना बड़ा दिल ही लापता है क्योंकि तैयब भी शेक फिर बर्गर भी, लेकिन शेक के नहीं हम जाते क्योंकि हमें उसकी नहीं पसंद, हमें ना उसकी फ्राइज़ पसंद ना हमें उसका बर्गर, उसके साथ है आई थिंक फरीद बर्गर पॉइंट, तो हम उसके ही आते हैं। तो उससे हमने डील पूछी तो उसने बताई डील बता दी, असलान ने कहा तुम हर बार 10 बता देते, अगो कहना कहना तुम्हें भी 10 साल बाद आते होंगे, हालांकि हम रेगुलर यहाँ पे कभी जब भी आए जहरे साधा खान का कुछ दिल नहीं ना करता, फिर इसी गया खाइता खा लिए थे फिर चलिए। और इसके पीछे है छोटी डी है ना, हाँ जी, तो आज आपको छोटी डी भी दिखाएंगे। सर ये हमारी डील होती है जिसमें मसाला बर्गर और ये चिप्स होती है और साथ ये मसाला की चिप भी होता है भाई, इस वाले को खाने का ना स्वाद ही अपना, क्यों ऐसी है ऐसी है। तो सर मिलते हैं फिर अगली किसी व्लॉग में, इंशाल्लाह अगली किसी व्लॉग में मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें।